ऐसी करते कोई भी नहीं सुनते मेरी, नहीं दा बोले तो जब देखो तब आते रहती, मेरा जीना हराम करते रहती, मैं चल जाती आस में, रहना ही नहीं है, कुछ भी कर लो क्या भी कर लो। माशाल्लाह क्या तैयारी चल रही, कहाँ जा रहे अपन? अपन नहीं, माहेरा चांद भाई की बेटी, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे जी, अकेले अकेले मेरे को बिना बोले? तुम्हारा बोल के भी जाऊँ अब मैं? हाँ। नहीं बोल के जाती हूँ, अकेली जाती हूँ मैं मेरी अम्मा के घर को जा रही हूँ। ओहो तो ये बात है बोलो। ओके ओके ओके, कहीं गुजारे मगर आप? तुम्हारी बहन हर चार दिन को आ जाती और मेरे से अब रहना नहीं होता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं चल जा रही हूँ। अरे तो फिर मेरे से शादी कहीं को करे आप? तुम्हारे से शादी करके तो मेरा जीना हराम हो गया, कहीं को करी की मैं तुम्हारे से शादी? एक दिन सुकून का नहीं जा रहा ये घर में। अरे रे रे ऐसा है, मगर मेरे को तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? सुकून से नहीं जा रहा, सुकून से जा रहा ना भाई सब। क्या दिखा तुम्हारा सुकून से जा रहा सो? हर चार दिन को तुम्हारी बहन आ जाती, अरे आ तो आराम कर देती, तो तुम चल छोड़ के चल लाते मेरे को। हाँ ना, तो क्या करूँ मैं, मेरे से नहीं हो रहा ना बर्दाश्त करना है सब। अरे तो तुम्हारे को क्या हो रहा भाई? अरे तारे खिस्सा खत्म भाई, उसकी वजह से तुम अपने बीच में कहीं गुजार रहे हो, व्हाट इज दिस? उनो मेरा जीना हराम कर रही, तुम्हारा अकेले का नहीं कर रही ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। देखो भाई तुम फिक्स कर लिए? जी बिल्कुल डन। यस लॉक कर दो? लॉक कर दो 100%। जा रहे तुम? मैं जा रही हूँ। पक्का? पक्का। चला बेटा बुक करता हूँ, जाओ। तो सुकून तो भी होता भाई, मेरे को जीना हराम होगा मेरा। हाँ अरे जान दो भाई, अब आप सुनते होंगे, जब सुनते होंगे बोले तो अरे चुप चुप चार दिन को बैग पैक कर रहे, उतना था तो हमारा कहीं को भाई हमारे साथ शादी कहीं को करे। हाँ बोल देना था मां बाबा को शादी करे, तो मैं क्या जाओ बोल रहा हूँ, तुम ही जाते जाते बोल रहे। चल ना मैं रैपिडो बुक करता हूँ, ठहरो, कम से कम मेरे को सुकून हो जाता, मैं तो भी आराम से ये पलंग पे आराम से फैल के सोता हूँ ना, तुम्हारे गिच गिच ना अम्मा की गिच गिच, तुम्हारा अम्मा कैसे, मेरा कुछ भी नहीं है। चल रहा भाई जाओ पकड़ो बैग, रैपिडो बुक करता मैंने तो एसी की कार बुक करूँ क्या आपके वास्ते? कर सकते हैं आप अगर आप करना चाह रहे। जी जी जाइए आप एसी की बुक कर, ये तो तुम्हारा फोन है सड़ा फोन, पकड़ लो, मैं मेरे फोन से बुक करता हूँ, ठीक है जाओ तुम जाओ। हाँ मैं तुम्हारे वास्ते रैपिडो बुक कर देता हूँ, जाओ। मैं जा रही हूँ। जाओ जी जाओ जाओ, क्या मैं करके यहीं शुरू करे, जाओ जाओ दिखो ना को तुम। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ सुकून से नवाज दिया और मेरी जिंदगी में सुकून भर दिया, अल्लाह दुनिया के हर शहर को ऐसे कर, आमीन। जाओ तुम नहीं जान, मैं को नहीं रोक रहे तुम। मैं कहीं को रोकूं? जाओ भाई तुम डिसाइड कर लिए, सब तुम कर लिए। अब मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे को सुकून से रहते हुए नहीं देख सकती। हाँ? मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम ये चाह रहे कि मैं चले जाऊं और तुम सुकून से रहना, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारा एक एक दिन अगर मैं जन्नुम ने मना दू ना, तो मेरा भी नाम माहिरा नहीं, चांद पाशा की बेटी नहीं मैं, याद रख लो तुम। नहीं जा रही हूं मैं कहीं भी। सुकून से रहने देती नहीं औरत मेरे को, चांदे की बेटी नहीं रे, तो क्या पाशा भाई की बेटी बोला भाई? क्या बेगम अकेले अकेले खाते, एक पान तो खिलाओ। अजी अब्बा। हाँ बा। ये उठाओ जी जरा उठाओ। क्या बेटे सच धज के निकले कमरे में से बाहर? बाहर जा रहा था। अब क्या सेकने जा रहे बेटे? काम है जी अब्बा। तुमने एक अरे बेटा वही तो बोलो, मैं तुम्हारे काम करते हुए देखना चाह रहा हूँ, तुम्हारी तरक्की करते हुए देखना चाह रहा हूँ, तुम्हें कामयाब इंसान बनना बोल के देख रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा मैं कामयाब हो गया तो क्या होता? मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ बेटे, इसके वास्ते मैं कामयाब नहीं हो रहा। काजी तुम्हारा लगे छे मेरे बच्चे को दियो ना एक पास। देखो क्या बोल रहा है, मैं को पागल होते हुए देखता कर। वो तो हम लोग के आशीष रह गए, छोड़ दो वो तुम। तुम बच्चे को 500 रुपए दियो, दोस्तों के बीच में जा रहा कोई भी देखे तो दोस्त खाते रहे ना, मुंह तक लेने बैठना क्या? मंदी खाने जा रहे 1000 रुपए होना था। पूरी पिंचिन डकार लिए ना तुम। क्या पिंचिन डकार है? खाली एक 500 रख लिया था वो भी खा जाने के चक्कर में, अम्मा बेटे मिलकर क्या जिंदगी कर दिया यार मेरी। अरे हाँ जी बच्चों को 1500 का आदमी भी नहीं रहा हमें। छेक नको मेरे को पैसे, नको 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 मेरे को 500 रख लिया था जी। अच्छा हुआ मेरे को दूसरे कुछ भी शौक नहीं है तो तड़प के मर जाता था मैं, वो एक पान क्या कि सुबह में शाम में मुंह पे मार देते खत्म। इन्हें क्या कर रही मेरी बच्ची फोन? हेलो हेलो, हाँ मेरी बेटी। अम्मी अम्मा मेरी बच्ची क्या हुआ? क्या जरूरत थी अम्मी आपको वो मेरे ससुर को फोन करने की? पापा समझा के मेरे को बर्बाद करके उनसे भेज दिए थे ना, आपको क्या जरूरत थी फोन करके? करे तो करे, जो मुंह को आया वो बोल देते अम्मी, इतना ख्याल नहीं आया आपको बेटी को वो संसार करना है बोल के? क्या क्या बातें बोल दिया आखिर आप? एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल को लेके गया उनको। अब मैं भी जा रही हूँ गाड़ी में पीछे पीछे, नहीं करना था अम्मी आप गलत तरीका करे आप ये।
सोच समझ के करना था कॉल, अव्वल आखिर मैं चले गई थी तो फोन करने की क्या जरूरत थी आपको, मैं रह तक तो भी कर लेना था वैसे वाले। रखो अम्मी रखो, मेरी जिंदगी में दखल नको दियो, सरकता करके बचकाने। सब तुम्हारी वजह से हुआ मानो, सब तुम्हारी वजह से होता है ये सब चीजा। मैं क्या करा जी, क्या मैं करी जी, उन्हें दुनिया का मेरे को बातन कर दे रही, उनके उनके ससुर कहते दवाखाने को चले गए कहते। तुम करे ना बेगम, क्या क्या की बात, मैं आई आपा कर लेके जोड़ लेके भिजा दिया था बच्ची को। तुम ही बड़े बड़े बात बोले, जेला बोले, चक्की बोले, कंगे में बाला बोले, क्या तो भी है बेगम, सब तुम करके मेरे ऊपर ढक ले तो कैसा। मरा तो नहीं ना बुड्ढा वो, मेरी बच्ची के ऊपर से एक बोझ तो जाता था ना, खाली दवाखाने में गया तो दुनिया का पुकार ले नहीं मेरे ऊपर, बच्ची तुम्हारी वजह से जी, तुम सही नहीं है असल। अरे तुम्हारी बच्ची कभी किसी का नहीं सुनने वाली, आज उनका सुन के तुम्हारे को बोल रही बोले तो तुम्हारी गलती है। क्या है मेरी गलती, अलावा खाली मुंडिया हल्लाते जा रहा बैठ के। अली उसके ससुरे को क्या क्या की बोल दिया, अला बला फला बोल दिया, बुड्ढा क्या हालत है सो बेचारा, क्या हुआ क्या नहीं क्या, वो एक नई मुसीबत मेरी जान को। कुछ भी हो तो तुम्हारे को सब चीजों से फिकर नहीं करना, तुम सही नहीं है बल्कि ये सब नौबत आ रही घर की। क्या करा मैं, क्या करा तुम, इच करे फोन आ करके उल्टे सीधे बात करे बुड्ढे को बेचारे को, मैं अच्छा क्या भी बोल के भाई भाई बोल के समझा के भिजा दिया था बच्ची को, अब क्या होता की क्या नहीं की। फिर कुछ भी नहीं होता, मेरी बच्ची कुछ भी बोझ नहीं है मेरे ऊपर। फिर तुम ऐसे उल्टे बात नको करो जी, आपा फिर आ रही क्या, तेको तेको कुछ जी परेशानी है। अच्छा है ना, है तो मेरा क्या जा रहा, खुल लिए ना, किसी को इतराज नहीं है मेरे को, अकेले कुछ है मैं अकेला ही छू ना तुम लोग, इतराज करने वाला भी सुपता ना, तुम्हारा बड़ा एक लाडला है ना उसको भी सुपते रहता ना हर जगह पे। अरे सही बोलने वाले वैसे दिखते हैं तुम लोगों के नजरों को, उनकी बीवी को भी भाभी को भी सुपता सही, मुझ उसकी बीवी को भी वो दो फुट की है ना गुटकनी बगल के अंदर घुसती से उसको भी छुपते रहता, हर चीज छुपती उसको भी, तुम तीनों कांटे हैं मेरी बेटी को, तीनों के तीनों। अरे पैसे दिया ना, पैसे तेरे निकल, 1000 पूछा था मैं, बस 500 बहुत हो गए, चलो उठो यहां से। क्या गिर लगा रहा बैठ के दोनों के बीच में, तुम भी ना बच्चों के बात सुन के उल्टे उल्टे बात नहीं करना। सही बोलता जी, वो एक बेटा है जो मेरा है समझे ना, मेरा है उन्हें मेरा, क्या की मेरा तेरा मेरा। अरे क्या जरूरत थी जी तुम्हारे को बच्ची के घर को फोन करके 50 बातें करने की, मैं हो गया सब बोल के भोले बाद में। बुड्ढा नहीं मारा अभी, अरे मर जा देखेंगे। अरे किसको भी मर जाओ मर जाओ, अरे कई को मर जाओ कर रहे जी, सब मरने का छे, तुम भी जाना है मैं भी जाना उन्हें भी जाना, मगर टाइम आया खोज जाते ऐसा नहीं भिजा देते पीछे तर किसको भी, नहीं जाते हम नहीं जाते अभी, तुम्हारे बाद देखेंगे। सबको भिजा के जाने वाले छे तुम, हमारे अम्मा को भिजा दिए, बाबा को भिजा दिए, दुनिया के तकलीफ अब मेरे को भिजाने की चक्कर में दिख रहे तुम। आमीन। पान खाए दिए पान मेरे को तुम, नहीं है मंगाओ पान जरा, बुला तुम्हारे बड़े को बुला के मंगा लो, अब मैं जाके लाऊं तुम्हारे को पान। क्या दिमाग खराब तुम्हारा, अरे तुम्हारे से बात करना ही बेकार है जी। अजी 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 क्या हुआ तुम्हारे अम्मा वाकई बहुत बड़े फसादी है। ए जबान सवाल के बात करो, क्या हुआ वो बोलो। निदा के ससुरे को फोन करे थे नी अम्मा, तो अब उनकी तबीयत फुल खराब हो गई, उनका बीपी हाई हो गया, शुगर लो हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है कहते, निदा फोन करके अभी बोली। हाय हाय ये क्या हो गया, वही हमारे अम्मा नहीं भी तो बहुत कर देते भाई, क्या कहते फिर अब क्या करने का है। अगर उनके ससुर को कुछ भी हुआ तो याद रख लो अम्मी बोले थे नहीं उनको जेल में चक्की पिसाने लगाते, मेरे को तो ऐसा दिख रहा अपन पूरे जने बैठ के जेल में चक्की पीसेंगे जी भाई। अम्मा अरे ये क्या तमाशा भाई, घर में नहीं भी तो फसाद आते जरा, कैसा करेंगे आप। अगर कुछ भी हुआ निदा इधर वापस आ जाती ऐसा दिख रहा, अब निदा को यहाँ से कोई भी ससुराल को उसके नहीं बेच सकता, मेरा तो पूरा जीना हराम हो जाता है यहाँ, मेरे हल्ला मेरे ऊपर तुम्हारे को तुम्हारी पड़ी भी है क्या जी, यहाँ घर में इतना फसाद होता है, आ गई तो मेरे के ही तुम, तुम्हारा क्या सोच रहे, पूरा घर का सोचो अब क्या करेंगे। अरे बुड्ढा मर गया खुदा ना खास्ता तो नया केस हो जाता, उसके घर वाले आके घर में लड़ते, गली में बेइज्जती हो जाती, तमाशे हो जाते, ये एक टेंशन है भाई, नहीं भी तो कहां है मन लगा कहां है, हमारा घर ही पूरा फंसा दिया तो मैं क्या करूं उसमें। ए चुप, घर घर को नको बोले, तुम ही एक घर के, तुम्हारा को तो बहाना ना खाली अम्मा के बारे में गुज्जी बोलने को। सुनो अपन दोनों अलग रह लेंगे जी, अलग होने का नाम नकल, मार के मुंह फोड़ता हूं।